जी, तो इस वीडियो में हम जो है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर जो 7 का सी पार्ट और बाकी क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। कल जो है कुछ एरर टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो आधे में कट गई थी, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 के सिर्फ दो पार्ट कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 7C, एक्सप्रेस एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अब आपको क्या कह रहा है, अपान ए प्लस बी प्लस सी, ए इंटू बी इंटू सी इन टर्म्स ऑफ आर एंड आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, ठीक है। अब सबसे पहले आप देखते हैं ये चीज़ें हैं क्या। असल में ये जो है हीरोज़ फार्मूला जो है उसमें से ली गई है, ट्रायंगल को शो कर रहा है। ए बी और सी जो है एक ट्रायंगल की तीन साइडों को शो कर रहा है, ठीक है, ए बी और सी, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ जनरल फार्मूलाज हैं जो इस चैप्टर के हैं, जो इस क्वेश्चन में यूज़ होंगे, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं क्योंकि उन फार्मूलाज को यूज़ करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो एक फार्मूला है हमारे पास कि भाई जो डेल्टा है वो बराबर होता है किसके, एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है, और इनका स्क्वायर रूट, ठीक है। एक फार्मूला ये है, और दूसरा हमारा फार्मूला है कि भाई असल में ये हर एंगल जो हर साइड जो है वो एस से माइनस हो रही है, फिर आपस में मल्टीप्लाई हो रही है और एस से भी मल्टीप्लाई हो रही है, फिर स्क्वायर रूट। तो भला एस क्या है हमारे पास, भाई एस क्या है, ए प्लस बी प्लस सी तीनों साइडों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये भी हमारे पास एक फार्मूला है, ठीक है। और उसके बाद आर जो कैपिटल आर लिखा हुआ है वो क्या है, आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपान 4 डेल्टा, ठीक है। अब ये जो है तीन फार्मूलाज हैं जो आपने इस चैप्टर में पढ़े होंगे, इनको यूज़ करके इसमें पुट करना है और फिर हमने क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ आर एंड आर जो है हमें इस फार्मूला को शो करना है, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं स्टार्ट करने के लिए। इन टर्म्स ऑफ आर, स्मॉल आर एंड कैपिटल आर मतलब इसमें से बाकी सारी चीज़ें जो हैं सी एस जो है ए बी सी ए बी सी और एस ये डेल्टा ये सब खत्म हो जाए, सिर्फ आपके पास क्या बच जाए, आर और स्मॉल आर, ठीक है। तो सबसे पहले हम पुट करने के लिए इसको, तो हम इसमें जो है वैल्यूज़ पुट करेंगे, जो भी हमारे पास तीनों चीज़ें फार्मूलाज पता है उनकी वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। सबसे पहले देखो देख लेते हैं कि यहाँ पे ये स्क्वायर रूट के बाहर है, ये स्क्वायर में है, अगर इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो इधर हमें स्क्वायर देना होगा और इधर भी स्क्वायर, ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इस पूरे की जगह पे इस इक्वेशन में मैं क्या रख सकता हूँ, अब ये मैं सॉल्यूशन करने लगा हूँ इसका, ठीक है, 1 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम इस पूरे की जगह पे क्या रखेंगे, डेल्टा रखेंगे, ठीक है, डेल्टा रख दिया। अब हम अपान, अपान में आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, अब हमें पता है ए प्लस बी प्लस सी, लेकिन यहाँ पे अपान में 2 है तो एस के बराबर होगा। अगर मैं 2 को इधर शिफ्ट करूँ तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर किसके होगा, 2s के। तो मैं इधर लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2s, ठीक है। इसको ब्रैकेट में थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं। फिर है ए बी सी, ठीक है, अब ए बी सी की वैल्यू पुट करनी है, तो भाई ए बी सी हमारे पास है, अगर ये 4d जो है 4 डेल्टा इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 4 डेल्टा आर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 डेल्टा आर, और दूसरी बात हमने जब रूट ख़त्म किया था तो ये डेल्टा स्क्वायर था, तो इधर मैं डेल्टा स्क्वायर कर देता हूँ। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से लाए हैं, ये इधर हम देयर फोर में लिख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम देयर फोर में क्या लिख सकते हैं कि भाई डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी, और हम फिर ये लिख सकते हैं कि भाई देयर फोर 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। असल में ये क्यों देते हैं देयरफॉर, जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कोई भी फार्मूला यूज़ करते हैं या किसी फार्मूला से कोई चीज़ उठा के आप डायरेक्ट पुट करते हैं, तो आपने जो यहाँ पे देयरफॉर में देना होता है, जब चेक करने वाला चेक करेगा तो उसको पता लगना चाहिए कि आपने ये किया क्या है।
अब अगर आप डायरेक्ट लिखेंगे ये सारी चीज़ें, हवाला नहीं देंगे इन फार्मूलाज का, और इसकी जगह पे डायरेक्ट कन्वर्ट करके ये लिखेंगे कि अब चेक करने वाले को कुछ पता नहीं चलेगा आपने किया क्या है, आपके दिमाग में क्या चल रहा था, थिंकिंग आपकी क्या थी। तो जो भी आपका पेपर होगा तो उसमें ये भी होता है कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया है, कैसे डील किया है, सिनेरियो को कैसे समझा है, वो भी फोकस में होता है। ठीक है, तो इसके लिए ये फार्मूलाज लिखना जो है लाजमी होते हैं। अब उसके बाद भाई ए बी सी, तो हम कहेंगे भाई ओ डेल्टा आर इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी बाई, ये सारी चीज़ें हमने इधर यूज़ कर दी। अब हम देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो हम ऊपर और नीचे जो है कुछ भी चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं। अगर प्लस माइनस होता ऊपर और नीचे किसी भी दो टर्म्स के बीच में तो फिर नहीं होता। तो डेल्टा और डेल्टा ये आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गया, फोर मल्टीप्लाई बाय टू। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, फोर मल्टीप्लाई बाय टू, तो ये डेल्टा अपान फोर टू ज़ा एट एस आर। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं कोशिश भाई इसको मज़ीद सिंपलीफाई करें। तो हमें एक चीज़ पता है कि भाई जो सिमाल आर है वो है यहाँ पे भी यूज़ की गई है। ठीक है, कि भाई ये सिमाल आर जो है देयर फोर आर इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस। तो डेल्टा अपान एस को मैं अलग कर दूं और फिर उसकी जगह पे मैं ये सिमाल आर रख दूं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कहा भी ये क्या गया है कि भाई इसको इन टर्म्स ऑफ सिमाल आर और कैपिटल आर में शो करना है, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म करनी है, मतलब डेल्टा और एस नहीं होना चाहिए। तो हमें पता है कि भाई इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस की जगह पे मैं क्या पुट करूँगा आर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाकी हमारे पास क्या बचेगा वन अपान एट आर। ठीक है, तो इसको मैं मिला के रखूँ तो हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू आर अपान एट आर। अब हमने इस पूरे को इन टर्म्स ऑफ स्मॉल आर और कैपिटल आर लिख दिया, बाकी सारे जो एस थी ए था बी था सी था एस था वो सारे जो हैं ख़त्म हो गए, या डेल्टा था वो सब ख़त्म हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में हमें क्या कहा गया है, अ सर्किल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल हैविंग रेडियस आर यूनिट। एक ट्राइंगल के अंदर जो है एक सर्किल बना हुआ है, इसका मतलब यह है कि एक ट्राइंगल है आपके पास, ठीक है, और उसके अंदर एक सर्किल बना हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये है, और ये सर्किल का सेंटर है और ये रेडियस। ठीक है, तो क्या कह रहा है, रेडियस आर यूनिट, इट इज गिवन डेट द एरिया ऑफ अ सर्किल एंड पेरीमीटर ऑफ द सर्किल। अब ये आपकी सर्किल की एरिया है, क्योंकि पहले एरिया का वर्ड यूज किया गया है, तो ये एरिया है, और ये सर्किल का जो है जो उसके अंदर है, एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, और जो ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो आपके पास ये है। अब हमें क्या बताया गया है, एरिया ऑफ द सर्किल वो ये रही, एंड पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल वो ये रहा। ठीक है, रेस्पेक्टिवली यूज आर इज इक्वल डी अपान एस टू फाइंड। अब हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये यूज़ करना है आर इज इक्वल टू डी अपान एस। तो सिंपली हम यही यूज़ करेंगे आर इज इक्वल टू डी अपान एस। तो भाई हम यूज़ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर टू को, मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ पार्ट नंबर टू को, आर इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस। ठीक है, डेल्टा अपान एस ये यूज़ कर। अब इसमें अगर ये यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो मुझे R की वैल्यू पता होनी चाहिए और दूसरी S की वैल्यू जो मैं इधर पुट करूंगा और डेल्टा की वैल्यू फाइंड करूंगा। अब R और S की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए ये जो दो चीज़ें गिवन हैं उनको देखेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्किल, हमें कहा गया है कि भाई आपके पास जो है एरिया ऑफ सर्किल जो है वो बराबर है किसके, 81 पाई के। ठीक है, 81 पाई, तो हमें पता है जो एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला क्या है, 2 पाई स्क्वायर, ये एरिया ऑफ सर्किल, ओ सॉरी ये रेडियस का फार्मूला है, एरिया ओ सॉरी सर्कमफेरेंस का फार्मूला है, एरिया ऑफ सर्किल का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वो मैं लिखता हूँ, इसको मैं रब कर देता हूँ, हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई एरिया ऑफ सर्किल जो है वो है हमारे पास
पाए आर स्क्वायर जो के बराबर है 81 पाए के, ठीक है। अब इनमें से कोई भी पाए इधर आएगा तो पाए आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पाए को कैंसिल आउट कर देते हैं। हमें चाहिए रेडियस, तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडियस का स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास कंडीशन क्या आएगी, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो आर इज इक्वल टू 8। अब आपको पता है जब हम स्क्वायर अपनी तरफ से लगाते हैं तो प्लस माइनस और रूट लगाते हैं, स्क्वायर रूट बोथ साइड। यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं किया है बल्कि स्क्वायर रूट बोथ साइड किया, ठीक है। तो जब भी हम स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं तो प्लस माइनस लगाते हैं हम, लेकिन यहाँ पे आप देखें रेडियस की बात कर रहे हैं, रेडियस मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए मैंने माइनस की साइन शो ही नहीं की, सिर्फ पॉजिटिव साइन शो की है। तो हमारे पास जो है वो ये 9 होगा, 81 का स्क्वायर रूट जो है वो 9 होता है। तो हमारे पास आर आ गया 9। अब आर की जगह पे हम 9 पुट करें, हमें एस फाइंड करना होगा। अब एस कहाँ से फाइंड करेंगे, पेरीमीटर से। अब पेरीमीटर क्या है, 48। और मैंने क्या बताया कि जो ट्राइंगल है उनकी तीनों साइड ए बी और सी, और पेरीमीटर आपको पता है तीनों साइड्स का क्या होता है, सम होता है। तो तीनों साइड्स का सम जो है वो किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी, वो बराबर है 48 के। तो क्या मैं ये वाला फार्मूला यूज कर सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 48/2, तो मुझे एस मिल जाएगा, ठीक है। तो हम करते हैं भाई एस फाइंड करने के लिए ए प्लस बी प्लस सी अपान 2। तो भाई एस हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों साइडों का सम जो पेरीमीटर होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, 48। तो हम लिखेंगे भाई 48/2, जबकि हमारे पास एस अब आ जाएगा 24। अब हमें एस और आर मिल गया तो हम इधर पुट कर सकते हैं कि भाई आर हमारे पास है 9 इज इक्वल टू डेल्टा अपान एस हमारे पास क्या है 24। हमें डेल्टा फाइंड करना है, 24 इधर आएगा तो हम क्या करेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 24। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखें, शायद गालबन इसका जो रिजल्ट होगा वो 216 होगा, ठीक है। तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले आपको डेल्टा एस और आर का फार्मूला पता होना चाहिए था, ठीक है। ये होगा तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। अब 8 पे आते हैं। अब क्वेश्चंस को पुट करते वक्त 8 बी पहले आ गया है मुझसे, ये मेरा ये मिस्टेक है मुझसे, तो पहले बी कर लेते हैं फिर ए पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी में क्या कह रहा है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस एक्स माइनस अंडर रेडिकल 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम लिखेंगे भाई किसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है, कॉस एक्स माइनस अंडर रेडिकल 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि बोथ साइड दोनों तरफ को मैं कॉस एक्स से मल्टी डिवाइड कर देता हूँ, बोथ साइड्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपान कॉस एक्स माइनस अंडर रेडिकल 3 इस पूरे के अपान में कॉस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स अपान कॉस एक्स, तो ये मल्टीप्लाई सिर्फ मैं इसके ऊपर अपान में लिखूं, कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 अपान कॉस एक्स, हमारे पास क्या रहेगा, कॉस एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब ये आपस में कैंसिल आउट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस अंडर रेडिकल 3 साइन अपॉन कॉस, आपको पता है किसके बराबर होता है, टेन एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 0 अपॉन कॉस एक्स क्या रहेगा, 0 को किसी से भी डिवाइड करें तो वो 0 ही रहता है, 0 रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 1 को हम उस तरफ ले जाते हैं, 1 यहाँ पे पॉजिटिव है उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रेडिकल 3 टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। दोनों तरफ माइनस हैं तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा,
अंडर रेडिकल 3 टेन एक्स इज इक्वल टू 1। अंडर रेडिकल 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, टेन एक्स इज इक्वल टू 1 अपान अंडर रेडिकल 3 टेन, इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 अपान अंडर रेडिकल 3। अब एसएससी पार्ट 1 के पेपर्स में आपके पास जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में टेन इनवर्स जो है लगाएंगे तो आपके पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा कि भाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 6, इसको जब आप पाई की वैल्यू रेडियन के हिसाब से निकालेंगे तो ठीक है पाई बाय 6 हो गया एक्स की वैल्यू। अब ये पाई बाय 6 किस में है, आप देखें पाई बाय 6 कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और एंगल भी आपको शो कर रहा है, ये मैंने इसलिए पेस्ट किया है, ठीक है। अब अगर आपको ये याद ना हो पाई बाय 6 कहाँ पे आता है, तो ज़रूर एक ऐसे लोगों यूनिट सर्किल को डिफाइन करते वक्त आपने ये जनरल सर ने आपको बताया होगा इजी तरीके से कि इसको हम कैसे ड्रा करते हैं, तो आप एक मिनट के अंदर ये पूरा सर्किल ड्रा कर सकते हैं और वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं किसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। अब ये हो गया पाई बाय 6 और हमने देख लिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, हम कह रहे हैं कि अगर ये एंगल, तो हमें पाई बाय 6 ये पता चला कि एंगल ऐसे आ रही है, ठीक है, यहाँ से एंटी क्लॉक, अगर एंगल क्लॉकवाइज होती तो ये पाई बाय 6 कहाँ पे आता, अब एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे क्लॉकवाइज तो ऐसे आके नहीं है कहेंगे पाई बाय 6, क्योंकि अगर इधर एंगल 30 है तो इधर 30 कहीं और पे होगी, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि टोटल जो सर्किल होता है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई, उसमें से हम माइनस करेंगे पाई बाय 6, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं 360 में से पाई बाय 6 की एंगल माइनस कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हम कहाँ पे होंगे पाई बाय 6। अब आपको सिंपल अर्थमेटिक से इसको जब सिंपली माइनस करेंगे तो आपके पास एलसीएम होगा 6, ठीक है, 1 की टेबल 6 पे 6 टाइम्स और 6 टू 12 पाई माइनस पाई, जो कि आपके पास रिजल्ट हो गया 12 पाई में से पाया गया तो 11 पाई बाय 6। अब आपको ये कंडीशन भी मिल गई। अब हमें क्वेश्चन में कहा क्या गया है, जनरल सॉल्यूशन। अब जनरल सॉल्यूशन में आपको पता है कि दोनों सॉल्यूशन को जो है वो सेट में यूनियन में लिखना होता है, तो हम लिखेंगे भाई जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, इज इक्वल टू, या सिर्फ जनरल सॉल्यूशन लिख के, फर्स्ट क्या है हमारे पास पाई बाय 6 प्लस एन पाई, फर्स्ट पार्ट ये कंडीशन हो गई यूनियन। अब हमारे पास सेकंड जो है वो रिजल्ट क्या आया, 11 पाई बाय 6, तो हम लिखेंगे 11 पाई बाय 6, ठीक है, और यहाँ पे सेम वही यूनियन की कंडीशन अप्लाई करेंगे, ओ सॉरी यूनियन की नहीं एडिशन अप्लाई करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा इधर स्क्रॉल कर लूँ तो प्लस मैं कर लेता हूँ, वो नहीं हो रहा अभी, तो एन पाई, ठीक है, ये आप सर्किल को बंद कर देंगे, ये आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ए पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, आपने एक फंक्शन दिया गया है, आप देखेंगे फंक्शन देखते वक्त ही आप समझ जाएंगे कि ये जो है साइन फंक्शन है, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। द फिगर शोज द ग्राफ y इज इक्वल टू ए साइन एक्स साइन ब्रैकेट में पी एक्स फॉर 0 से लेके 180 तक, ठीक है, ये कंडीशन है, एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, लेस देन आर इक्वल टू 180, फाइंड ए एंड पी आर पॉजिटिव, आपने ये बताना है कि वेयर ए एंड पी आर पॉजिटिव, ए एंड पी की वैल्यू पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, यूज द ग्राफ स्टेट, आपने क्या स्टेट करना है, पहले वैल्यू ऑफ ए एंड पी और दूसरे बार आपने पीरियड ऑफ वाई फाइंड करना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम वैल्यू ऑफ ए एंड पी, ए एंड पी, तो सबसे पहले ए क्या होता है, ए आपका होता है, ए को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस, सिंपली अब फिलहाल समझने के लिए हम एक्स एक्सिस कह रहे हैं, एक्स एक्सिस से ये जब आपका ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, जब ऊपर जा रहा है वाई एक्सिस की तरफ, जो इसकी फाइनल पीक पॉइंट होती है, ठीक है, तो उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, तो पीक पॉइंट आपके पास क्या है, 3, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो आपके पास क्या है, ए इज इक्वल टू 3, आप कहेंगे भाई हमारे पास जो ए की वैल्यू है ए इज इक्वल टू 3 है, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन का ए।
अब आपने फर्स्ट कंडीशन में से पी भी फाइंड करना है। अब पी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब पी देखें पहले है क्या, ये एंगल के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अब आप ये देखें, अगर ये ज़ीरो से स्टार्ट हो, ये यहाँ पे ऊपर जाके फिर नीचे आए और फिर ऊपर आए, यहाँ पे ख़त्म हुआ, स्टार्ट से लेके एंड तक, अगर इस पूरे, ठीक है, इसको ग्राफ को हम एक सर्किल के इर्द गिर्द लपेटना चाहें तो एक कंप्लीट सर्किल के ऊपर आ जाएगा। मतलब जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे ज़ीरो से, तो ये जब इसको हम उसके ऊपर रखते आएंगे तो ये जो है कंप्लीट एक पूरा सर्किल बन जाएगा। तो इसलिए हम इसको कहते हैं जो इस पूरे की जो लेंथ है एज अ सर्कमफेरेंस वो 2π है, ठीक है। अपान में अब हम क्या करेंगे, अपान में हम देखेंगे कि भाई ये वाली लेंथ, ये जो है एंड कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है 180 पे, और 180 को एंगल में हम क्या कहते हैं पाए, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जब हम दोनों पाए को आपस में कैंसिल आउट करेंगे, ये पाए और ये पाए, तो हमें पी की वैल्यू मिल जाएगी और पी इज इक्वल टू हमारे पास क्या है 2। हम कहेंगे कि भाई पी इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब सेकंड पे आते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ वाई। अब आपने यहाँ से ही समझ गया होगा पीरियड ऑफ वाई क्या होता है। सिंपली पीरियड ऑफ वाई ये होता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक कम्प्लीट पूरा राउंड है इसको हम पीरियड कहते हैं। तो आपको पता यहीं से लग गया कि पीरियड ऑफ वाई है क्या, लेकिन शो करना है हमें, तो हम क्या करेंगे भाई पीरियड ऑफ वाई, तो हम लिखेंगे वाई इज इक्वल टू पीरियड ऑफ वाई, वही होता है कि भाई 2π अपान, इसको डिवाइड करते हैं जो भी आपके पास यहाँ पे पी की वैल्यू होगी, मॉड ऑफ पी। अब मॉड ऑफ पी 2 का मॉड क्या होगा, 2 ही होगा, तो मॉड ऑफ पी जो है वो 2 है, ठीक है। तो 2 में कैंसिल, तो भाई पीरियड ऑफ वाई हमारे पास क्या हो गया इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब मैं इधर फार्मूला लिख देता हूँ कि पीरियड ऑफ वाई फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं 2π डिवाइडेड बाय, असल में हम इसको पी शो किया गया है, हम बी भी शो करते हैं, ठीक है। तो मैं इधर पी के हिसाब से बता रहा हूँ मॉड ऑफ पी, तो हमें पीरियड ऑफ वाई मिल जाता है। अब ये हो गया पीरियड ऑफ वाई। अब ये 2019 का जो क्वेश्चन है कम्प्लीटली आपका ओके, हाँ, सो बी यहीं पे भी है और मुझसे गलती में नीचे भी आ गया था, मैंने समझा नहीं है तो ऊपर रख दिया था, ठीक है। तो अब हमने जो है क्वेश्चन नंबर और 2019 का जो थ्योरेटिकल सब्जेक्टिव पार्ट था उसके सारा क्वेश्चन जो है 8 के 8 क्वेश्चन और उसके सारे पार्ट्स भी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम जो है कोशिश करूंगा कि मैं इसका सब्जेक्ट और पार्ट 2 करूं और उसके बाद दूसरे पार्ट पे चला जाऊं। अगर आपको ये समझ में आ गए हैं तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।